तो हे गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले आप सभी का फेवरेट जॉनी सिंस के बारे में, उनके करियर, फैमिली, लाइफस्टाइल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉनी सिंस का जन्म 31 दिसंबर को 1978 में पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। आपको मैं बता दूं, उनका रियल नेम स्टीवन वॉल्फ है, जिन्हें प्रोफेशनली रूप से जॉनी सिंस नाम से जाने जाते हैं। वह अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा है। उसे बचपन से ही बेसबॉल खेलना पसंद करते है। जॉनी हाई स्कूल में बेसबॉल की टीम में सिलेक्ट भी हुए थे। इसके अलावा वह और उसके भाई बहन एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी स्तर पर भी अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी अपने परिवार, बहन और भाई के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ग्रेजुएट होने के बाद जॉनी सिंस ने कंस्ट्रक्शन में नौकरी मिल गई थी और वीक में 6 दिन काम किया। फिर बाद में 2016 में भी उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जॉनी की 24 साल की उम्र से ही सर के बाल कम हो रहे थे, इसलिए अपना सिर मुंडवा लिया और तब से इसी ऐसे ही रखा। नौकरी छोड़ने के बाद जॉनी सिंस को एडल्ट इंडस्ट्री के बारे में पता चला। 28 साल की उम्र में उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए जॉनी सिंस ने लॉस एंजलिस चले गए। फिर जॉनी सिंस को अपना पहला सीन क्रेजलिस्ट एड्स में था। जॉनी ने 2007 में शॉर्ट आउट नाम की एक नॉन एडल्ट फिल्म में भी दिखाई दिए गए थे, जिसमें उन्होंने एक हॉकी कोच की भूमिका निभाई थी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो इतने लोकप्रिय हो गए थे कि सबसे ज्यादा सर्च इंजन करने वाले एडल्ट स्टार बन गए थे। वो सबसे ज्यादा सर्च होने वाले एकमात्र अभिनेता थे। साथ ही साथ उन्हें उनके काम के लिए ढेर सारे अवार्ड भी मिले हैं। 2019 तक ब्रेजर्स कंपनी ने गो टू मैन के रूप में डिस्क्राइब किया। आपको मैं बता दूं, जॉनी सिंस ने 2000 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। जून 2015 में बी हब नाम की कंपनी में उनका पहला सीन इवा लोविया नाम की एडल्ट स्टार के साथ हुआ। 2017 में जॉनी सिंस ने यूट्यूब पर सिंस टीवी नाम की चैनल से अपनी शुरुआत की। वहां पर वो अपनी डेली रूटीन और व्लॉग टाइप की वीडियो बनाते है। आप लोगों को पता ही होगा कि जॉनी सिंस के इंडिया में बहुत सारे फैंस है। 2018 में इंडिया के केरल में एक बस में जॉनी सिंस और कई अन्य एक्टर की पिक्चर भी बस में पेंट की गई है। इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर बीबीके वाइंस यानी कि भुवन बाम ने जॉनी सिंस का इंटरव्यू भी लिया था। जॉनी सिंस की शादी एडल इंडस्ट्री के कीसा सिंस के साथ हुई थी, पर 2019 में वो दोनों अलग हो चुके थे। जॉनी को मोस्ट पॉपुलर मेल परफॉर्मेंस बाय वुमन इन द बी हब अवार्ड मिला था। 2019 में जॉनी सिंस ने एडल इंडस्ट्री में से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जल्द वापस लौटूंगा। उनकी आज तक की सबसे बेस्ट फिल्म लेट्स प्ले डॉक्टर है। अब हम बात करते हैं जॉनी सिंस के कमाई के बारे में। उनकी नेटवर्थ $6 मिलियन से भी अधिक है। अगर आप लोग जॉनी सिंस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, उनके फैक्ट्स, उनके बिहाइंड सीन, उनके कुछ राज, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से जाके आप देख सकते हो जॉनी सिंस के कुछ राज। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं और एक नई बायोग्राफी वीडियो में।